दोस्तों जैसा कि पता होगा, चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर पहले चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया था। तब से लेकर वैज्ञानिक लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है और पल पल इंतजार कर रहा है जब लैंडर की विक्रम की ध्वनि जो है वो ऑर्बिटर और इसरो के धरती के बीच बने केंद्रों के बीच में संपर्क हो। हालांकि सभी लोगों के मन में धीरे धीरे ये आशंका भी जगती जा रही है कि लैंडर विक्रम से संपर्क हो पाएगा या नहीं। आपको बता दें, जब लैंडर चांद के जमीन पर उतरा था तब से लेकर इसरो को सिर्फ 14 दिनों के अंदर ही इसको कनेक्ट करना था, लेकिन अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। हालांकि इसरो ने लोगों की जो उम्मीद है उसको धूमिल होने नहीं दिया है। आपको बता दूं कि विक्रम की हार्ड लैंडिंग की वजह से 14 दिन के भीतर यानी कि 21 सितंबर तक इसरो को संपर्क साधने में कामयाबी हासिल करनी होगी। 21 सितंबर के बाद चांद पर रात शुरू हो जाएगी। आपको बता दूं कि चांद पर जो रात होती है वो धरती के 14 दिनों के बराबर होती है, यानी कि चांद की रातों में वहाँ का तापमान जो होता है बहुत कम हो जाता है। आप ये मान सकते हैं कि 200 डिग्री जो है माइनस में चली जाती है। लैंडर में लगे जो उपकरण है इतने कम तापमान को नहीं सह पाएगा और इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट से लैंडर के अंदर वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसके लिए इसरो को 21 सितंबर तक हर हाल में जो है संपर्क साधना होगा। लेकिन आप उम्मीद मत छोड़िए, इसरो जो है अब नई तकनीक की वजह से इसे संपर्क साधने की कोशिश करेगा। हम आपको बता दें कि सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद किसी वस्तु से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में संचार के लिए एस बैंड, माइक्रोवेव और एल बैंड रेडियो बैंड वाली तरंगों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अभी तक संपर्क टूटने का वजह का पता नहीं चला है और ऐसा लैंडर के उतरने के रास्ते में हुआ था, तो इससे संचार यूनिट का पावर फेल होना संभावित वजहों में से एक हो सकता है। हालांकि हार्ड लैंडिंग की स्थिति में लैंडर की नुकसान होने के आशंकाओं को अभी खारिज कर दिया गया इसरो की वजह से। इसरो ने कहा था कि ऑर्बिटर ने हमें एक तस्वीर भेजी, लैंडर उसमें सही सलामत दिख रहा है। तो अब देखिए क्या ये जो रेडियो मैग्नेटिक वेव जो है और ये जो दूसरी वेव थी आपकी एस बैंड माइक्रोवेव वेव, क्या इस वेव के वजह से वापस लैंडर से कनेक्टिविटी हो पाती है कि नहीं, इसके लिए आपको 1 या 2 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में आप लोगों को अच्छी खुशखबरी इसरो देगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बिहार डेली।